सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज का रिव्यू जिस गाड़ी के ऊपर है ये होंडा लाइफ है और इस गाड़ी के ओनर शाहजेब मेरे साथ मौजूद हैं। हम शाहजेब से क्वेश्चन करेंगे उनकी इस गाड़ी के बारे में और फर्दर सारी डिटेल्स शाहजेब हमारे साथ शेयर करेंगे। शाहजेब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टार्ट से बताएं ये कौन सा मॉडल है, कब की इम्पोर्ट है, कब की रजिस्टर्ड है? ये 2011 मॉडल है, 14 की इम्पोर्ट है और 17 रजिस्टर्ड है। ठीक है, ओके। 14 के बाद ये 17 में रजिस्टर्ड हुई, किसी ने इसको ओपन चलाया है? ओपन चलाया है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर ही, या तो किसी जगह ये खड़ी रही है, क्योंकि जिससे हमने ली है उन्होंने कहा था हमने एक साल पहले लिया, उन्होंने हमें पिछली डिटेल्स कुछ नहीं बताई। ओके, सो अभी तक का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी? बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब के लोग समझते हैं अंडर पावर है, लेकिन बिल्कुल मेरे साथ तो ऐसा कोई फेस नहीं हुआ। इससे पहले हमारे पास मीरा थी, उसमें मुझे लगता था कि वो अंडर पावर है, कि वो नहीं निकलती थी। इसका इंजन परफेक्ट है, मतलब कि ना यहाँ के वेदर के लिहाज से भी हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं है, एसी वगैरह सेफ्टी सब कुछ, मतलब कि ना गाड़ी अंदर से भी कोई लग्जरी चीज़ें अंदर लगी हैं, मतलब कि ना जो यहाँ पर सिविक में ऑप्शंस आती हैं ना, अभी तक की ऑप्शंस इसके अंदर हैं। इसके अंदर आते हैं चार मॉडल्स आते हैं, ठीक है। एक बिल्कुल सिंपल होता है होंडा लाइफ, एक उसके बाद होता है होंडा लाइफ सी, एक सी कम्फर्ट होता है और कम्फर्ट के बाद आता है दीवा। दीवा से ये है सी कम्फर्ट, दीवा वाला ये टर्बो वेरिएंट है? नहीं, ये टर्बो वेरिएंट नहीं है, इसके बाद वाला दीवा वाला वेरिएंट वो टर्बो आता है। टर्बो और इसके अंदर आप क्या कंपैरिजन? टर्बो के अंदर और इसके अंदर फ़र्क ये होता है कि आप हाईवे पे जा रहे हैं ना, टर्बो से आपकी गाड़ी की इनिशियल टॉर्क जो है ना वो एकदम से ना बढ़ जाती है। ऑब्वियसली वो तो है, पर आप समझते हैं कि इस गाड़ी में आप कमी महसूस करते हैं टर्बो? टर्बो होना चाहिए था कि ना थोड़ी सी ये पकड़ लेती है स्पीड, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब कि पैडल देना पड़ता है। ओके, थोड़ी सी चलानी पड़ती है उसके बाद। सो इसमें जो प्रोजेक्टर लैंप्स वगैरह हैं ये कंपनी फिटेड ही हैं? ये कंपनी फिटेड है प्रोजेक्टर लैंप, लो बीम के अंदर प्रोजेक्टर है और हाई बीम के अंदर हैलोजन है। और ये कलर इसका ओरिजिनल है या कलर डिफरेंट है? ये पेपर्स पे ना इसका कलर वाइट है। ओके, लेकिन है ये टी पिंक कलर में, शुरू से टी पिंक कलर में ही है, पेपर मिस्टेक है। पेपर मिस्टेक है, ये आपने इसके ऊपर स्टिकरिंग नहीं की? स्टिकरिंग कौन सी, ये जो बंपर्स पे? मतलब आपका ये रैप नहीं है, ये ओरिजिनल कलर? ओरिजिनल कलर है ये, ब्लैक बंपर जो ब्लैक पार्ट है ना ये सिर्फ रैप है। और व्हील्स, ये कंपनी फिटेड व्हील्स हैं इसके ऊपर? व्हील्स कंपनी फिटेड 13 का आ रहा था, मैंने गाड़ी नीचे लग रही थी, रोड क्लियरेंस इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसकी वजह से एक तो स्पेसर रखवाया है। okay. ठीक है, स्पेसर रखवाने के बाद मैंने इसके व्हील्स मतलब ना 13 के लगवाए हैं, 13 के थे 14 के लगवाए हैं, वन नंबर ना ज़्यादा के लगवाए हैं। सो उसके बाद कोई आपको अब नहीं, अब मसला नहीं है क्योंकि फ्यूल एवरेज? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है फ्यूल एवरेज का, कोई ऐसा ना यूज़ नहीं। फ्यूल एवरेज डिपेंड करती है आपके मतलब के ना पाँव के लिहाज से आप किस तरह गाड़ी को चला रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह सॉफ्टली चलाओ तो देती है 16 से 17, अगर आप थोड़ी खींच के गाड़ी चला रहे हो ना तो ये देती है 13 से 14 एसी के साथ। ये मैक्सिमम आपको मिला है जी? और इसकी सारी रीडिंग्स आपको उसके स्पीडोमीटर के अंदर मिलती है? स्पीडोमीटर के अंदर एक एक चीज़ मिलती है। सेफ्टी फीचर्स जो ऑब्वियसली सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है क्योंकि सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर 8 एयरबैग्स आते हैं, 2 आगे, 2 कर्टन एयरबैग्स, 2 पीछे और 2 पीछे कर्टन एयरबैग्स। और हम वैसे देखें तो हमें मुश्किल से 2 भी नहीं मिलते, 2 भी नहीं मिलते, ऐसे ही है कुछ गाड़ियाँ जिनके अंदर 2 भी नहीं होते। हम बैक साइड से बात करें, बैक साइड से भी इसकी एक लुक दिखा देते हैं व्यूअर्स। इस साइड पे हमें होंडा होंडा और होंडा लाइफ का हमें लोगो देखने को मिल जाता है, और ये बैक वाइपर के साथ, ये कंपनी फिटेड बैक वाइपर है जी? जी, कंपनी फिटेड बैक। और फर्दर इसको चेंज करने का कोई प्लान है? फर्दर अभी तो चेंज करने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैं इस गाड़ी से खुश हूँ, कोई मसला नहीं करती, हमें था कि नहीं जाएगी, हम लोग इसको मोटरवे पर लेकर गए इस्लामाबाद तक, कोई नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया हमारी अयूबिया नथिया गली तक बिल्कुल आराम से गई है, कोई अंडर पावर का इशू? बिल्कुल अंडर पावर का इशू नहीं, क्योंकि हम हाईवे से भी नहीं गए थे, जीटी रोड वाली साइड बिल्कुल गाड़ी मज़े की गई है, मतलब कि कहीं पर भी ना इसने कोई स्लिप नहीं मारी, मतलब कि रस्ते में पानी भी था उसमें बारिश हो रही थी, कोई स्लिप नहीं, और हम पीछे बैठे भी 3 लोग पीछे, 2 लोग आगे, पीछे सामान भी था, फिर भी सुकून से गई है। और अब किस प्राइस ब्रैकेट में ये आ रही है? अब ये प्राइस ब्रैकेट में आ रही है 13.5 और 14 तक, अच्छी से अच्छी गाड़ी मिलेगी आपको, लो माइलेज 15। सो आप रिकमेंड करते हैं कि और लोग भी इस गाड़ी को ख़रीदें? जी बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ और लोग भी ख़रीदें, यहाँ पर पाकिस्तानी गाड़ियों से तो बहुत बेहतर है।
और होंडा के अंदर ही कोई और 660 में आप समझते हैं कि कोई और गाड़ी भी इसी कैटेगरी की कौन सी है? होंडा एन वैगन, होंडा एन ऑब्वियसली। एन वन तो थोड़ी प्राइस में भी आप चली जाती है, एन वैगन इसके प्राइस ब्रैकेट में इसके साथ आती है, मतलब है ना इस प्राइस ब्रैकेट में आ जाती है, वो मैं समझता हूँ कि इसकी थोड़ी कंपेटिटर है बस। और मिरर्स की बात करें तो ये रिट्रैक्टेबल हैं? रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं जी, रिट्रैक्टेबल है। अब हम इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं और फिर व्यूअर्स को इसके इंटीरियर के बारे में गाइड करें। सो गाइस, ये आप इंटीरियर देख सकते हैं होंडा लाइफ का, और शाहजेब हमें इसके बारे में गाइड करेंगे जी। इसका स्टेयरिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेयरिंग आता है, पावर स्टेयरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग है। इसके पास इसके अंदर कीलेस एंट्री है, कीलेस एंट्री का रिमोट हमसे जिनसे लिए ना उनसे रिमोट मिसप्लेस हो गया, मतलब इस वजह से ये बना होता है इसके लिए। बस की आपके पास है तो आप इसको ऐसे करके गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, बाय डोर्स पे भी आप बटन देखेंगे के बने हुए हैं। उसके बाद इसका मीटर है, मीटर के अंदर सब कुछ इसका मतलब के ना मीटर के अंदर उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन ना क्लस्टर इंफॉर्मेशन सब कुछ है। ये देखें इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग, चेक लाइट, हैंड ब्रेक, फ्यूल एवरेज, रेंज कितनी माइलेज चली हुई है वो ट्रिप है, उसके बाद ये रेंज, उसके बाद ये टोटल इसकी जो माइलेज है अभी तक चली है, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर इसका जो है सब का मतलब के ना इसका और दीवा का सेम है, इससे जो पिछले मॉडल है उनका ब्लैक एंड वाइट है। और हमें एनालॉग डायल्स मिलते हैं जो एनालॉग डायल्स मिलते हैं जी। ओके, और ये जो मल्टीमीडिया सिस्टम है, मल्टीमीडिया सिस्टम ओरिजिनल है, कंपनी फिटेड है। इसकी आपको लैंग्वेज का इशू नहीं आया? लैंग्वेज का इशू इसके अंदर ऐसा होता है कि आप एक सीडी डालें, ये 10 से अबव जो भी जापानीज गाड़ियों के मॉडल आए हैं उसके अंदर आप इनकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। इसके बाद अगर आप आफ्टर मार्केट लगाते हैं ना वो 4000-6000 का, उनकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल नहीं अच्छी। इनके साउंड के स्पीकर्स अच्छे हैं, फोर डोर्स में लगे हैं, स्पीकर अच्छे हैं, लेकिन जब आप वो TFT चेंज कर लेते हैं ना तो वो साउंड क्वालिटी नहीं निकलती। और मैं यहाँ पे ये भी है कि इसका एक अच्छा देख रहा हूँ प्लस पॉइंट है कि इसके मिड के अंदर कोई कंसोल वगैरह, और जब मिड में नहीं है तो दो लोग भी यहाँ पे अगर आप बिठाना चाहें तो आप आराम से बिठा सकते हैं, बच्चा छोटा है कभी पीछे स्पेस ना हो तो बैठ जाते हैं। और हेड स्पेस की बात करें तो काफी हेड स्पेस बहुत कंसीडरेबली बहुत अच्छी है हेड स्पेस, क्योंकि टॉल बॉय कार है ठीक है, और वैसे भी एक्सट्रीम हैचबैक है तो उसकी वजह से इसकी हेड स्पेस बहुत अच्छी है, लेग स्पेस भी बहुत अच्छी है। बैक साइड पे हमें कैसा लेग रूम मिलता है? बैक साइड पे लेग रूम बहुत अच्छा है, मतलब कि अगर यहाँ पर दो बंदे बैठे हैं ना तो वो तकरीबन जा सकते हैं, मतलब लॉन्ग रूट टू दो लोग कर सकते हैं आराम से, तीन हो जाए ना तो वो थोड़ा सा ना टाइट हो जाते हैं, कि बनी दो बंदों के लिए। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। दिखा सकते हैं पीछे हेडरेस्ट 4 पीपल के लिए, एक्चुअली अगर 5 इसके अंदर बिठा भी देना फिर गाड़ी लगता है अंडर पावर है, फिर गाड़ी आप उसके ऊपर ज़्यादा लोड डाल रहे हैं। हमें इसकी जो ओवरऑल सस्पेंशन है उसके बारे में गाइड करें। सस्पेंशन इसकी अच्छी है, लेकिन सस्पेंशन इसकी ना वर्क मांगती है, मतलब कि ना इसकी रिपेयरेंस मांगती है, इधर के जैसे रोड्स हैं खड्डे हैं तो बम्पी रोड्स हैं, उसकी वजह से इसकी सस्पेंशन 2-3 ईयर्स निकालती है सही, उसके बाद इनका काम करना पड़ता है, एंड प्रेस कराने पड़ते हैं, चिमटे टेढ़े हो जाते हैं। इसके सस्पेंशन का ओवरऑल मैंने काम कराया है ठीक है, इसके शॉक्स वगैरह सब कुछ, इसके ना अंदर आवाज़ आना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा भी कोई ब्रेकर आए ना तो फिर ये चूं चूं कर नॉकिंग करती है, नॉकिंग ना बहुत अजीब, एक्चुअली ये पूरी होती भी लॉक है, इसके अंदर आवाज़ ना बिल्कुल अंदर से वो बहुत ज़्यादा ना इरिटेटिंग साउंड आती है ठीक है। उसके बाद इसके गोटे मैंने चेंज करवाए हैं दोनों एक्सल ठीक है, वो उसका बूट फट गया हुआ था, जब गाड़ी नीचे ब्रेकर पर लगती है आगे से तो वो जो बूट है रगड़ा जाता है, 2-3 बार रगड़ा जाए, जब वो बूट की ग्रीस निकल जाती है ना तो वो फिर आवाज़ कटिंग पे आवाज़ करना शुरू, आप लेफ्ट करते हैं राइट करते हैं वो कड़ 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 आवाज़ आती है ठीक है। वो दो मैं बिलालगंज से लाया हूँ, पार्ट्स इजीली अवेलेबल है, पार्ट्स वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि स्पेयर पार्ट्स इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं एक्सेप्ट मिरर्स, तो मिरर्स के अगर कोई ना कोई मिरर्स की हो जाए फिर इसके ऑल्टरनेटिव लगा लेते हैं, जैसे इसको N1 के मिरर्स भी लग जाते हैं ठीक है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, N-BOX के भी लग जाते हैं, Daihatsu Mira और MOVE के भी लग जाते हैं काफ़ी, मतलब इनके ना पार्ट्स की वजह से। पार्ट्स की प्राइसेस क्या हैं? प्राइसेस थोड़े ना एक्सपेंसिव हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी है इशू, पर प्राइस जब अवेलेबिलिटी है भी फिर भी इनके पार्ट्स प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये मिरर है ना ये, और आप उसका देखेंगे वो ओरिजिनल है, ये मैंने चेंज करवाया है ठीक है, ये मिरर मुझे कॉस्ट किया 18,000 सिंगल मिरर, सिंगल मिरर जी, तो काफ़ी ज़्यादा जी। और ये निकलवा, ये ब्लैक था पूरा, रिपेयर भी करवाया है, आप दिखा सकते हैं साइड से रिपेयर भी है ये मिरर, और ये मैंने पेंट भी कराया है, ये एक बाइक वाला मार्केट कॉर्नर पे जी, कॉर्नर पे ये रिपेयर है। ओके
ओके, तो ये आप मुझे इसके मिरर्स के बारे में बता रहे हैं। ये मिरर्स इसके कंपनी फिटेड टेंटेड मिरर्स हैं, कोई पेपर वगैरह नहीं है इसका। बैक पिछले चारों ग्लास ये प्राइवेसी है, ठीक है। उसके बाद ये अगले इसके अंदर आपको कोई पुलिस की तरफ से एतराज नहीं? पुलिस को पता है कि जितनी जैपनीज 660 कार्स हैं 2000 से सीरीज आ रही है, उसके अंदर सबके मिरर ब्लैक होते हैं। पुलिस वालों को भी पता है, असल में उनको भी देख के पता चल जाता है पेपर ये होता है, ये पेपर लगा हुआ है, बिल्कुल ये पेपर। उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पेपर लगा हुआ है, कहाँ पर ग्लास टेंटेड है, ठीक है। और फर्दर कोई बात आप शेयर करना चाहेंगे? फर्दर बात बस यही है कि गाड़ी ये चलाने वाली है प्यार से। ज़्यादा ये गाड़ियाँ का मतलब कि ना, आप रोड के अंदर इन टाउन, लोग कहते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में ही जाती, नॉर्दर्न एरियाज़ में ये लेके जाने वाली गाड़ियाँ ही नहीं है। बिल्कुल, हमें ग्राउंड क्लियरेंस की भी प्रॉब्लम आती है। ग्राउंड क्लियरेंस की आती है, अगर कोई लैंडस्लाइडिंग हुई हो, कोई रॉक वगैरह पड़ा हो, ये देख रहे हैं नीचे सारा पैनल ये लग गया है। बिल्कुल, इसी ये हर ब्रेकर पे गाड़ी लगती है, चार से ज़्यादा लोग हों एक गाड़ी ने ब्रेकर पे लगना ही लगना है। ये गाड़ियाँ बनी नहीं है नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए? नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए बनी नहीं है। हाँ जी, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाती हैं, हर गाड़ी चली जाती है, हर गाड़ी चली जाती है, लेकिन गाड़ी आके आपको कैसा फील करा रही है। दूसरी मेन बात, सबसे ज़्यादा मसला इसके कैटलिक कन्वर्टर का होता है। कैटलिक कन्वर्टर इसका 2 मंथ्स बाद मतलब कि उसको वॉश कराना ही पड़ता है। वो एक केमिकल सा लेते हैं, 2500 चार्ज करते हैं केमिकल से, उसको साफ़ करते हैं। मैंने तो क्या किया, मेरे वो कैटलिक के अंदर होती है मिट्टी जो ये टॉक्सिक गैसेस को मतलब कि आवाज़ को भी ना, गाड़ी के इंजन के आवाज़ को भी थोड़ा रिड्यूस करती है, पोल्यूशन के लिए उन्होंने बनाया था, ठीक है। उसके अंदर होती है मिट्टी, मिट्टी हो गई, टूट गई। मैंने इसका कैट मैकेनिक के पास गया, मैकेनिक ने काटा उसको, कैट बाहर निकाल दिया। अब मैं बलालगंज लेने गया हूँ, कैट मिल ही नहीं रहा। मैकेनिक्स को उस तरह से वो नॉलेज नहीं है, अक्सर गाड़ियों के थर्मोस्टेट निकाल देते जी, अब मिल ही नहीं रहा। वो पूरा बिलालगंज घूम मारा, कहीं से नहीं मिलता। वो कह रहे हैं दुबई से। आपको इसके अंदर क्या हो क्या रहा है, मैं जैसे साथ कोई गाड़ी जा रही है ना, मैंने ओवरटेक करना है ना, मैं जब जैसी पैडल देता हूँ गाड़ी की ऐसी आवाज़ आती है ना, मतलब इंजन नॉइज है। अब सिलेंसर में से ढोलकी की आवाज़ आती है, पहले नहीं। आपको वो ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा? ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। फर्दर तो मेरा कोई प्लान नहीं। वो तकरीबन 60,000 की कैट है जो उसने ऐसे ही निकाल के बाहर फेंकी। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा इसका एसी का, एसी का मसला ये, मैं गया मक्की ऑयल स्टोर इसका ऑयल चेंज कराने, मैंने कहा एसी फ़िल्टर कर दो। तब हमने नई नई गाड़ी ली थी, उसने कहा भाई इसके अंदर एसी फ़िल्टर आता ही नहीं। मैं कहा ये कैसे हो सकता है। मैंने नेट से सर्च किया, उन फिर पता चला कि इसके अंदर सच में ही नहीं एसी फ़िल्टर आता। इसके अंदर उन्होंने ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि वो बस तक खुद ही प्योरीफाई हो जाता है, एसी फ़िल्टर नहीं आता। तो इसको क्लीन करने का कोई क्लीन करने का प्रोसेस ये है, मैंने कराया पिछले दिनों, सारी डस्ट फंस गई थी, पूरा डैशबोर्ड खुला है। तो बड़ा लंबा काम, पूरा डैशबोर्ड खुल के अंदर से सारी चीज़ें उन्होंने बाहर स्टेयरिंग स्टोरिंग निकाल के अंदर से, फिर उसका इतना सारा उन्होंने निकाला था कंडेंसर था, उसको साफ किया, एयर का थ्रो अच्छा हो गया। एसी वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है। एसी के साथ पिक में फ़र्क पड़ता है, हर गाड़ी का पड़ता है ऑब्वियसली, लेकिन इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना पिक में फ़र्क है, पता नहीं क्यों। बाकी पहले मीरा थी वो तो बैठ ही जाती थी, पर हमने फ्लाई ओवर पर चढ़ानी होती थी ना, हम एसी बंद करके चढ़ाते थे। इसका ऐसे कोई मसला नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा इसके इंजन के बारे में। नॉर्मली 660 गाड़ियों में आते हैं 3 प्लग, इसके अंदर है 6 प्लग। वो इसलिए और आते भी रेडियम है, एक तो इसकी फ्यूल कंजप्शन, दूसरा इसकी पावर, और तीसरा वो आपको इंजन को ना स्ट्रेंथ देती है, मतलब कि अच्छा स्पार्क प्रोड्यूस करती है। अच्छा स्पार्क प्रोड्यूस होएगा तो गाड़ी की मतलब कि ना स्पीड में फ़र्क पड़ता है। इसका 0 to 100 मैंने खुद चेक किया था ऑनलाइन, मतलब कि वैसे तो नहीं है, इसका 0 to 100 आ जाता है 16.5। मतलब कि अगर फुल हाई रेफ करके रिंग रोड पे चेक किया था, फुल हाई रेफ करके ना 0 to 100 16.5 पे आ जाता है। इसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ है, मरकरी मरकरी नाम है, ये जापानीज ट्रैकर लगा हुआ है, इधर सपोर्टेड नहीं है। ओके, चलें, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और थैंक यू सो मच गाइस इस रिव्यू को देखने के लिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।